So, hello everyone, welcome back to our new video. तो आज हम फिर से आगे एक नए वीडियो को लेकर और नए एक्सपेरिमेंट के साथ. ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा अलग होने वाला है. तो वैसे तो थंबनेल से आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, पूरा तो समझ नहीं आएगा क्योंकि जब आप ये वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि हम लोग क्या एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं और वीडियो में तभी आपको मजा आएगा. तो बिल्कुल इसको स्किप मत करना. तो आपको मैं बताता हूँ, आप देख सकते हैं ये सब हमारे पास क्या क्या है बता रहा हूँ. ये नॉर्मली जो फायर एक्सटिंग्विशर जब आग लग जाता है तब इसका काम में लिया जाता है, इसको हेल्प करता है आग को बताने के लिए. और ये हमारे पास है 500 ml का बीकर जो कि इसके अंदर वाटर डाला हुआ है, नॉर्मल वाटर है जो. और हमारे पास ये 100 वाट का बल्ब है. तो अब ये तो तार वगैरह पता है, इसको जलाने के लिए यूज़ करते हैं. तो इसमें होता क्या, एक्चुअली आपको तो पता होगा, जब ये बल्ब जल रहा होता है और तब तक ये हीट हो जाता है बल्ब, और इसके अगर पानी अगर जाता है तो ये सब ब्लास्ट हो जाता है या तो फ्यूज हो जाता है. तो अगर क्या होगा जब हम लोग इसको अगर पानी के अंदर ही इसको जलाते हैं तो क्या ये बल्ब ब्लास्ट करेगा या फ्यूज होगा या क्या होगा, वो तो वीडियो को देखते में ही पता चलेगा. तो इसको देखते हैं, करके सेटअप पूरा करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि ये इसके बल्ब के साथ क्या होता है. तो वीडियो में बने रहे, आगे देखें. तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसका जो वायर था, हम लोग इसको सेट कर चुके हैं इसके बल्ब के मॉडल के साथ. तो देख सकते हैं यहाँ पे, कैमरा दिखा दो थोड़ा सा. इस बोर्ड से लगा हुआ है यहाँ पे, अब इसे कनेक्ट किए, इसमें सिर्फ स्विच देना बाकी है, बाकी बात ये जल रहा है. आपको दिखा देते हैं पहले ये बल्ब अच्छे से जल रहा है या नहीं, आप देखें कैमरा पहले. तो जैसे कि आप लोगों ने देखा ये पूरा वर्किंग बल्ब है, इसमें कोई डिफॉल्ट नहीं है. तो अब इसको हम लोग डालेंगे पानी के अंदर. तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस एक्सपेरिमेंट को या इस स्टंट को आप घर पे करने का बिल्कुल भी ट्राई नहीं कीजिएगा, क्योंकि इससे बल्ब ऐसा फट भी सकता है या तो कुछ भी हो सकता है. तो इसके लिए सेफ्टी बहुत जरूरी है पहले. तो मैं तो बोलता हूँ कि इसको आप ट्राई बिल्कुल मत करना, क्योंकि हम लोग तो है ही आप लोग के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपको वीडियो में दिख ही जाता है क्या होता है क्या नहीं होता. तो अगर अभी तक चैनल को लाइक, चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दिए होगे, इतना उम्मीद है आपसे. अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो इसको लाइक कर दो और कमेंट में जरूर बताना कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है. और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बस एक शेयर करना, ज्यादा शेयर नहीं करने बोलूंगा आपको. तो चलते हैं वीडियो की ओर और आपको दिखाते हैं इसको एक करके. चलो कुमार भाई, तो आप लोग देख सकते हैं जो बल्ब है ये ब्लास्ट नहीं कर रहा है. अब लाइट को ऑफ कर देते ताकि कोई रिस्क ना हो. लाइट को ऑफ करो. तो आप लोगों ने देखा कि इसका जो बल्ब था ये वाला, इसको हमने पूरा पानी में डाल दिए थे और बल्ब को जला दिए थे. तो नॉर्मली तो ये बल्ब इसको ब्लास्ट कर देता है, लेकिन ये जो बल्ब था जो कि हम लोग पूरा पानी के अंदर डाल चुके थे, इसमें शॉर्ट सर्किट भी नहीं हुआ और ना ही कुछ, ये मतलब कि बल्ब भी ब्लास्ट नहीं किया ना ही फ्यूज हुआ. तो ऐसा ही इसके पीछे क्या साइंस ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमने आज ट्राई किया और इसमें देखने को मिला. हमें तो उम्मीद था कि ब्लास्ट या फ्यूज तो कर ही जाएगा, लेकिन ये तो किया नहीं. बस यही मैं सोच रहा हूँ कि पता नहीं क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपको तो पता है ये तो वाटर भी इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा खासा ये होता है. तो वो तो मुझे नहीं पता इसके पीछे का साइंस, लेकिन इतना आपके लिए रिस्क उठाए हम लोग. तो एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए. तो अभी तक अगर आप लाइक नहीं किए तो इसको लाइक कर दो. और उसके बाद आपको बताते हैं, एक और अनाउंसमेंट करनी थी, मतलब कि आप हमारा जो प्रीवियस वीडियो है, कुछ वीडियो से आप देख सकते वीडियो शूट करते हैं, ये हमारा कोई स्टूडियो नहीं है. एक्चुअली ये हमारा जो हम जिस रूम में रहते हैं इसी में हम लोग कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, क्योंकि आपको तो दो तीन वीडियो में बताया जा रहा है कि हम लोग अपने विलेज में नहीं है, हम लोग आए हैं अपना जो शहर है जहाँ पे हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं वहाँ पे आए हुए हैं, ताकि हमारा एग्जाम भी अच्छे से जा सके और अच्छा रिजल्ट भी आ सके. तो हमने अपना तो पढ़ाई स्किप नहीं किया, लेकिन साथ ही साथ एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं. तो ये हमारा रूम है और स्टूडियो नहीं है. अगर आप स्टूडियो भी चाहते हैं तो बस आपको सिर्फ दो ही चीज करना है, सिर्फ आपको इस वीडियो को शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए और कुछ भी नहीं. उसके बाद आपके लिए हमारा एक स्टूडियो रहेगा, उसी में हम अपना सारा काम वगैरह करेंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाएं. क्यों ए फ्यू मोमेंट्स लेटर.
तो आप लोग देख सकते हैं ये जो बल्ब था, हमने थोड़ा और एक्सपेरिमेंट किया इसके साथ। तो इसका जो ये है, थोड़ा जूम करके दिखाते हैं आपको, अगर कैमरा में दिखेगा तो, यहाँ इसमें क्रैक आ चुका है आप जैसा देख सकते हैं। इसी चक्कर में इसके अंदर पानी भी जा चुका है, आप देख रहे हैं कैमरा में दिख रहा होगा तो। और इसके अंदर बहुत सारे क्रैक भी आ गए। अगर ये मतलब ये ब्लास्ट भी हो सकता था, लेकिन ये ब्लास्ट हुआ नहीं। अब तो यही हम लोग को लग रहा था कि ये तो होना ही था, लेकिन जो फर्स्ट टाइम कुछ नहीं होता, लेकिन जब सेकेंड टाइम हम लोग कुछ किए तो इसका जो क्रैक इसमें लग गया। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट और अमेजिंग एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर यहाँ वॉचिंग करने के लिए। और आपको दिखा सकता हूँ मैं, इसे पूरा तरीका से फूट रहा है और भी ज्यादा, इसे पानी भी लीक हो रहा है यहाँ पे, आपको कैमरा में दिख रहा होगा इसका जो इसमें होल आ चुका है, थोड़ा बहुत ये हीट भी है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं।